और इस समय मैं हूँ सारनाथ के थाई टेम्पल में, जहाँ पर कि ये विशाल काय भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, जो कि आसमान से बातें करती हुई प्रतीत हो रही है। बहुत ही बड़ी प्रतिमा है ये और बहुत ही शानदार थाई टेम्पल है। इतना बड़ा टेम्पल है और वो इसकी सामने एंट्रेंस है, और ये सरोवर बना हुआ है जो कि कमल के फूलों से पूरी तरह भरा हुआ है पूरी एंट्रेंस पे। ये देखिए इस तरह, और इसके दोनों तरफ बेहद शानदार बहुत ही सुंदर पार्क बना हुआ है। और ये है थाई टेम्पल पगोड़ा जिसको बोलते हैं, ये थाई टेम्पल है। और ये एंट्रेंस है सामने, और ये नाग पर विराजमान भगवान बुद्ध की प्रतिमा मैं आपको दिखाती हूँ। ये नाग पर विराजमान है भगवान बुद्ध, और नागों ने भगवान बुद्ध की छत्र छाया कर रखी है। और ये सामने मूर्ति, दिखाई दे रही है ना, ये देखिए। बहुत दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं, बहुत धर्म के अनुयायी के अलावा हिंदू सिख मुस्लिम सभी इनको देखने के लिए आते हैं। तो आपका पूरा सारनाथ घुमा रही हूँ, फिर नहीं कहना सांची स्तूप दिखा दिया, पूरा सारनाथ नहीं घुमाया, पूरा सारनाथ देखिए वर्षा जैन की आंखों से। ये देखिए बहुत सुंदर, आपको लाफिंग बुद्धा दिखाऊं, ये देखिए लाफिंग बुद्धा का बड़ा सा स्टैचू है यहाँ पर, और वो सामने दिखाई दे रहे हैं आपको भगवान बुद्ध प्रीच करते हुए। और ये लाफिंग बुद्धा का स्टैचू है, ये देखिए इतना बड़ा गोल्डन कलर का, जो कि कुबेर के देवता हैं थाईलैंड के। और ये सामने है मंदिर, जिसमें बहुत बड़ी मूर्ति है भगवान बुद्ध की, कम से कम 12 फुट की, और इस पे सोने का काम हुआ हुआ है। तो ये बहुत ही खूबसूरत थाई टेंपल है जो कि मैंने आपको दिखाया है। चलिए जल्दी मिलते हैं।